आगे बढ़ते बात होगी गृह मंत्री अमित शाह के मिलने पहुंचे चिराग पासवान की। पार्टी में झूठ की अटकलों को खारिज किया, मेरी पार्टी मेरे साथ है, चिराग पासवान ने इस बात का जिक्र किया। तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान पहुंचे हैं। पार्टी में झूठ की अटकलों को खारिज किया, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान, पीएम मोदी हमेशा से चिराग पासवान को आपने देखा कि खूब अपना प्यार लुटाते रहे हैं कई मौकों पर आपने देखा। और इस बीच अमित शाह और चिराग पासवान की मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी में जो टूट की खबरें लगातार आ रही थी उससे किनारे किया, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, मेरी पार्टी मेरे साथ है। और इस बीच दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे चिराग पासवान। की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये जो सोच ये लोग रखते हैं ना कि भैया बार बार एक ही पैंतरा आजमा लिया जाएगा। मेरे पार्टी के सांसद खुद इस बात का स्पष्टीकरण दे चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि भैया इस तरीके की सोच या इस तरीके के र्यूमर्स को हवा देकर चिराग पासवान को डरा लिया जाएगा, ये कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये जो सोच है, जो मंशा है चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके के र्यूमर से डरा कर रोक लेने की, विपक्ष की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है और क्योंकि LJP मजबूत हो रही है, ऐसे में इस तरह के र्यूमर्स फैलाकर पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी हुई है। और कुछ लोग सिर्फ इस तरह का माहौल बना रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ इस तरह से पार्टी की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अक्षय, पार्टी की टूट की अटकलों को खारिज करते हुए चिराग पासवान कह रहे हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही कि जब से लोकसभा चुनाव हुआ है और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से रामविलास पासवान जो LJP है उसको जितनी सीटें थी यानी कि 100% उनको रिवार्ड मिला है जनता की तरफ से, उसके बाद चिराग पासवान को मंत्री बनाया गया, उत्साहित है और ये माना जा रहा है कि निश्चित रूप से अब पार्टी में दोबारा तो नहीं हो सकता। हालांकि पहले ही LJP में दो फाड़ हो चुकी है, उनके जो चाचा हैं वो LJP के प्रमुख हैं। चिराग पासवान ने दूसरी पार्टी बनाई LJPR रामविलास के नाम पर जो उनके पिताजी हैं, तो अब साफ तौर पर है कि वहां पर अब संभावना तो निश्चित रूप से नहीं है कि पार्टी किसी भी प्रकार से टूटेगी, क्योंकि उतने कद्दावर नेता नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले जरूर ये हुआ था कि LJP के जो उनके चाचा है पशुपत पारस, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में BJP ने वादा किया है कि उनको भी कहीं ना कहीं हक मिलेगा और हम विधानसभा चुनाव सही तरीके से लड़ेंगे। लेकिन अब साफ तौर पर है कि चिराग पासवान आगे बढ़ चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि राजनीति कैसे की जाती है और यही वजह रही है कि अपने परिवार को भी साथ लेकर के चल रहे हैं, जिसमें कि अरुण भारती जो उनके बहनोई हैं उनको भी सांसद बनाया है और वो इस समय LJPR को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कर्ता धर्ता चिराग पासवान है लेकिन जो पीछे का जो दिमाग काम कर रहा है और अरुण भारती का कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से कह सकते हैं कि अब चिराग पासवान कई चीजों से आगे निकल चुके हैं। उनको उम्मीद है कि बिहार जो विधानसभा होगा चुनाव उसमें उनको प्रमुखता मिलेगी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बिहार की राजनीति में तो पहले एक अदावत थी, दिखी थी नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से देखे जैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद तो कहीं ना कहीं जो अदावत है प्यार में लगभग कन्वर्ट हुई है और उसका निश्चित रूप से जो असर है वो चिराग पासवान के करियर को आगे बढ़ा सकता है, LJP को आगे बढ़ा सकता है और NDA को मजबूती दे सकता है। और इसीलिए कल अमित शाह से जब मुलाकात हुई तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान ने अपनी बात रखी और किस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने बात रखी है। जाहिर तौर पर ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पार्टी में टूट की अटकलों को वो खारिज कर रहे हैं और जैसा अभी अक्षय ने जिक्र भी किया कि हाँ चाचा जब साइडलाइन हुए तो जाहिर तौर पर एक नाराजगी सामने आ रही थी, लेकिन जो टूट की बात है वो अभी नजर नहीं आती।